आज हम बनाएंगे भंडारे वाले आलू की सब्जी, वो भी बिना टमाटर के। और खाने भी इतनी टेस्टी है कि आप जब इसको एक बार बनाएंगे तो आपको तभी पता चलेगा कि कितनी टेस्टी सब्जी बनती है। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं। तो आइए शुरू करते हैं हम इसकी सब्जी, आलू की सब्जी बनाना। तो सबसे पहले हमें आलूओं को ले लिया है, और हमने ये 3 आलू लिए हैं और इनको हमने उबाल लिया है। इसके बाद हम इसमें इसको ले लेंगे कूटने के लिए। और इसमें हमने 1 चम्मच धनिया डाल दिया है और 1 चम्मच के लगभग हमने इसमें सौंफ डाल दी। और इन दोनों को हमने कूट लेना, हमने थोड़ा सा इनको भून लिया था ताकि जल्दी से भी कूट जाए, थोड़ा टेस्ट भी अलग आए अच्छे से। तो इन दोनों चीज़ों को हमने कूट लिया है, इनको अलग से एक कटोरी में हम निकाल लेंगे। तो ये मसाला ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी होता है बनाना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। तो इसके बाद दोबारा से हम बाउल ले लेंगे और हमने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है, 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी हमने हल्दी डाल दी है। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी मेथी दाना डाल देंगे और हमने इसमें गर्म पानी को डाल देना और थोड़ी देर के लिए इसको अलग से रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि मसाले जो हैं अच्छे से फूल जाएं गर्म पानी से। तो हमें एक साइड में रख देना है इनको। और दोबारा से हम एक कटोरी ले लेंगे और इसमें हमने 1 आलू को लिया है और इसको आलू को इस तरह से हमने मैश कर लेना है। तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें सब्ज़ी को, बिल्कुल भंडारे वाला टेस्ट आएगा इस सब्ज़ी को बनाने से। तो इस तरह से हमें 1 आलू को क्रश कर लिया है। और इसके बाद हम इसमें हम चाट मसाला डाल देंगे तो, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिला करके इनको रख देना है। अब हम दोबारा से कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हमने डाल दिया सरसों का तेल, और तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी हमने इसमें हींग डाल दी है। और हम जो हमने मसाला कूटा था उस मसाले को डाल देना और अच्छे से इसको भून लेना है। इसके बाद हमने इसमें जो मसाले भिगो के रखे थे इनको डाल देना है। गैस को मीडियम ही रखना है और अच्छे से इनको चला लेना है, थोड़ी देर इनको पकाना है। अभी इन्होंने तेल से छोड़ दिया तो उसके बाद हमने जो आलू क्रश करके रखा था उसको इसके अंदर डाल देना है, अच्छे से मिक्स करना और चलाते रहना है जब तक कि थोड़ा सा तेल छोड़ने ना लग जाए। और अगर आपका मसाला सूख रहा है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं बीच बीच में, पानी गरम गरम ही डालना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इस तरह से चलाते रहना है इसको लगातार, कम से कम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। और बीच बीच में आप पानी डाल सकते हैं इसमें। तो इसी तरह से हमें इसको भून लेना है। तो इस तरह से भूनने से हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए इसने तेल छोड़ दिया है बिल्कुल, तो ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें जो 2 आलू बच रहे थे उनको हमने मैश कर लिया था, और उन 2 आलूओं को इसमें डाल देना और उनको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर लिया है इनको। इसके बाद इसे में हमने गरम पानी को डालना है, तो पानी गरम ही डालें, ठंडा बिल्कुल नहीं डालें। ठंडा पानी डालने से सब्ज़ी में टेस्ट वो वाला नहीं आ पाता है। तो आप सब्ज़ी को जितना गाढ़ी पतले रखना चाहें रख सकते हैं। तो मैंने इसमें 1/2 गिलास के लगभग पानी डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे
और ये हमने काला नमक डाला। काला नमक से इसमें आलू की सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमें इनको कम से कम 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाना है। तो 5 मिनट हमारी हो चुकी है, उसके बाद हम दोबारा ढक्कन हटा कर देखते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी, सब्ज़ी ने तेल छोड़ दिया है और ये अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरीके से पक रही है। तो सब्ज़ी को मीडियम आंच पर ही पकाना है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये हमने इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया है। और ये थोड़ा सा मेथी, हमने कसूरी मेथी आती है उसको सेक करके और इसमें क्रश करके डाल दिया है। तो कसूरी मेथी का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसको स्किप नहीं करना है। और इसके बाद हमने एक तड़के के लिए पैन ले लेना है और इसमें हमने घी डाल देना है। और हमने इसमें एक तेज़पत्ता, एक लाल मिर्च डाल दिया। आप इनको स्टार्टिंग में भी, सरसों का तेल जब डाला था हमने कढ़ाई में, तब डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हमने हींग डाल दी है और थोड़ी सी हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी है कलर के लिए। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसको ऊपर से इसमें डाल देना है, जो भी इसमें लग गया तो थोड़ा मसाला उसको अच्छे से हटा लेंगे। और इसको ढक करके 1 मिनट के लिए रख देना है ताकि इसमें अच्छा सा और फ्लेवर आ जाए अंदर। तो 1 मिनट के बाद देखते हैं, देखिए सब्ज़ी इतनी बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हुई है और इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देंगे। तो फ्रेंड्स सब्ज़ी हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक बार सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें और इसके साथ पूड़ी खाने में, ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया लगती है पूड़ी के साथ खाने में। तो एकदम बिल्कुल भंडारे वाली सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स पूड़ियों के साथ ये खाने में और भी टेस्टी लगेगी। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।